झारखंड के जनपद सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र के बानो व कानारोवा स्टेशन के बीच ट्रेन से एक अज्ञात वृद्ध यात्री गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार राउरकेला से रांची जाने वाली एक एक्सप्रेस से अज्ञात वृद्ध ट्रेन से नीचे गिर पड़ा, जिसको पहले राहगीरों ने देखा, उसके बाद 108 में डायल कर इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने पर रेलवे गैंगमैन ने सहयोग का सीएससी बानो में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर अब्बास अली ने प्राथमिक इलाज कर सदर अस्पताल सिमडेगा भेज दिया। घायल वृद्ध के सिर व पैर में गंभीर चोटें आई हैं। अखंड भारत न्यूज के लिए शिवनंदन बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा। झारखंड की राज्य सरकार के आदेश पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु सभी सामुदायिक संस्थानों, स्कूल, कोचिंग, स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा हॉल आदि को आगामी 14 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिया गया है। इसी आदेश के आलोक में उपायुक्त सिमडेगा श्री मृत्युंजय कुमार बड़वाल ने कोरोना वायरस से बचाव हेतु सिमडेगा जिले में विगत 16 मार्च 2020 को आदेश जारी किया था। उपायुक्त के आदेश के अनुसरण सिमडेगा जिले में हो रहा है या नहीं, उसका निरीक्षण आज दिनांक 18 मार्च 2020 को अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा श्री कुमार सिंह पाहन ने किया। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी ने कई कोचिंग संस्थानों का दौरा कर उन्हें बंद करने की पहल की तथा सभी कोचिंग संस्थानों को आदेश दिया कि कोरोना वायरस को देखते हुए सभी कोचिंग संस्थान आगामी 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे तथा कोचिंग संस्थानों के बाहर संस्थान बंद संबंधी नोटिस छात्रों के लिए जारी करना होगा। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने सिमडेगा के वीरू कॉम्प्लेक्स तथा अन्य दवा दुकानों का निरीक्षण कर वहां पर सैनिटाइजर तथा मास्क के मूल्य का भी जायजा लिया। उन्होंने दवा दुकानदारों से कहा कि कोरोना वायरस जैसी आपदा के इस घड़ी में कोई भी दवा दुकानदार बाजारवाद ना करें तथा बढ़ा चढ़ाकर सैनिटाइजर तथा मास्क का मूल्य ग्राहकों से ना लें। साथ ही आम लोगों से अपील की कि निर्भय होकर जिला प्रशासन का साथ दें तथा कोरोना वायरस के लक्षण होने पर तुरंत उसकी जांच सदर अस्पताल में करा लें, ताकि समय से मरीजों का उपचार कराया जा सके तथा इस वायरस से लोगों को बचाया जा सके। अधिक जानकारी के लिए जिले के लोग हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी के शहर निरीक्षण के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमडेगा श्री सचिंद्र बड़ाइक, अंचलाधिकारी सिमडेगा श्री पंकज कुमार तथा सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी श्री सत्य प्रकाश प्रसाद उपस्थित थे। अखंड भारत न्यूज के लिए बीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा। झारखंड के जनपद सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड के ग्राम पंचायत पोड़ा टोली ग्राम में पंचायत अध्यक्ष बदरुद्दीन अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें प्राथमिक सदस्य बनने के लिए ₹5 शुल्क वसूली गई। इस सदस्यता अभियान में सदस्यता अभियान प्रभारी रोज प्रतिमा सोरेन, जिला उपाध्यक्ष श्यामलाल प्रसाद, प्रखंड सचिव सुलभ नेल्सन डुंडुंग शामिल थे। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने वाले में अरविंद, वीरेंद्र, पीटर, जसिंता, रमीश, आनंद, मनोज कुल्लू, इस दौरे रंजीत, विक्टर बाड़ा, तरसिला टेटे के अलावा अन्य लोग शामिल थे। अखंड भारत न्यूज के लिए बीरेन तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।